दोस्तों खबरों के बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। सब तो पहला नज़र मारते हाँ अज दी खास खबरों। मानसा शहर के बसनीक शायर सुखविंदर राज की शायरी की किताब दिता गिलिया समान अज बठिंडा विखे लोक अर्पण की गई। सुखविंदर राज ने दसिया कि इस किताब उस दियां पिछले 12 सालों दौरान लिखिया रचनावां शामिल हैं जिस विच शेरो शायरी और खुलियां कवितावां का संग्रह है। सुखविंदर ने कहा कि किताब पाठकों को निराश नहीं करेगी। जो भी पाठक किताब पढ़ना शुरू करेगा वो यकीनन अखीर तक किताब पढ़ेगा। किताब विच रूह नूं सकून दिंदियां कवितावां नूं शामिल किया गया है। उन्होंने दसिया कि किताब कैफे वर्ल्ड प्रकाशन मंडी कलां वालों प्रकाशित की गई है। उन्होंने दसिया कि आने वाले दिन विच उस दियां पंजाबी दे नाल नाल हिंदी विच भी किताबां प्रकाशित होणगियां। उन्होंने दसिया कि किताब मानसा बठिंडा के नाल नाल हर देश विच होम डिलीवरी लई उपलब्ध है। इस मौके गुरप्रेम लहरी, भुपिंदर सिंह तग्गड़, हरजीत सिंह राजू, सुखराज सिंह, बलविंदर सिंह, बलवंत सिंह, विकास कौशल, नवदीप राय अते होर शख्सियत हाजिर सन। पूरे पंजाब विच नशे की मुहिम चलाई जा रही है ते पुलिस नूं यानी कि प्रशासन उस समय बड़ी कामयाबी मिली जदों हैरन अते हथियारां दे बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया गया। यह पहली बार वेखण नूं मिलिया है कि अक्सर पाकिस्तान तो ड्रोन आउंदे हन भारत विच, पर यह पहला मामला है जिथे भारत तो पाकिस्तान विचों ड्रोन भेजा जाता सी अते उसे ड्रोन के राही नशा अते हथियार सप्लाई हुंदे सन। बहरहाल इस मामले की जाँच गंभीरता नाल कीती जा रही है। ऑपरेशन के दौरान जिहड़ा हैगा एक लखबीर सिंह एलियस लखा नां दा व्यक्ति जिहड़ा गिरफ्तार किया गया। यह व्यक्ति सानू पहला भी 92 नंबर FIR के लुड़ींदा सीगा, फड़िया नहीं सी जा रहा, लेकिन काफ़ी समय तो यह समगलिंग एक्टिविटीज़ विच इनवॉल्व सीगा एंड ड्रोन की हैल्प दे नाल समान जिहड़ा है ये पाकिस्तान तो मंगवाउंदा सीगा। पहला इहदे बारे जो इनपुट्स हन कि ये ड्रोन पाकिस्तान तो आता है और ये समान लैके इतने डिस्ट्रीब्यूट करता, लेकिन इस मुकदमे की हुण तक की तफ्तीश सामने आया कि यह व्यक्ति ड्रोन इंडिया साइड तो पाकिस्तान भेजता सीगा, उहदे विच समान लोड किया जाता सीगा और वापस से रिट्रीव कर लैंदा सीगा। ये फस्ट टाइम है कि जिहड़ा समगलर है उसके कोलों ड्रोन इंडिया साइड के इंडिया साइड तो ऑपरेट हो रहा जिहड़ा कि फड़िया गया। सैकेंडली इस केस जी हम रिकवरी एक तो चाइना मेड ड्रोन, 1 किलो 600 ग्राम हैरोइन जी इन्हें ड्रोन रस्ते लैके आया सीगा वो मिली है। दो वैपन है, एक 32 बोर का पिस्टल है और एक 315 बोर की राइफल है। ए लाइसेंसी राइफल हैगी है, शायद फादर के नाते वो असं इस्टैबलिश कर रहे हैं। इस तरह एक टैब है जिहड़ा ये यूज़ करता सीगा सैमसंग का और एक करेटा कार जेडे कि ये ड्रग्स नूं ट्रांसपोर्ट करने वास्ते यूज़ करता सीगा, ये असी इन्हां को बरामद की है। और इस जी फर्दर असी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि भी ड्रोन इन्हें कितों परचेज किया, ऑपरेट करना कितों सीखा और किन्नी बारी कर चुका हैगा ये असी, क्योंकि अज ही सवेर का ऑपरेशन है हुण असी इहदा रिमांड हासिल करके तो फर्दर असी तफ्तीश जी अमल च लिया के तुहानूं ब्रीफ करांगे। नहीं पाकिस्तान के नाल तो एस्टैबलिश्ड है जी रिलेशन है, पाकिस्तान के स्मगलर के ना काफ़ी डूंगे रिलेशन ने, ये कुछ नाम ही फिगर होंगे ने जिहड़े असी दसना जे एडवाइजेबल नहीं होएगा तफ्तीश के विच। और इधर इधर होर साथी केड़े ने वो भी देखने पैणगे और समान किन्ना नूं डिस्ट्रीब्यूट करदा सी असी वो भी सारे तत् जिहड़े देखे। नंगल पुलिस नूं अज उस समय वड्डी कामयाबी मिली जदों 5 चोरी दे मोटरसाइकलां दे नाल 2 नौजवान चोरां नूं काबू किया गया ते नाल ही 20 ग्राम हैरोइन भी बरामद की गई। एक होर नौजवान भी काबू किया गया। इस खिलाफ़ कार्रवाई करदिया होया अज इन्हां नूं माणयोग अदालत में पेश किया जाएगा। नंगल पुलिस वालों एक प्रेस के नाल गलबात करते हुए यह सारी जानकारी शेयर की। रोक के वो तो कागज़ पूछे, कागज़ पूछे तो वो मोटरसाइकिल का कोई कागज़ पत्र नहीं सी। फिर वो तो डूंघाई नाल असी पूछगिछ की, पूछगिछ करन ते उन्हें दस्या भी मेरे नाल होर भी बंदा एक भी ये मोटरसाइकिल चोरी का, तो मेरे नाल एक बंदा होर है। फिर असी भी वो दूजे वो मोटरसाइकिल का पहला मुकदमा देता सी, मुकदमा दे के फिर असी दूजा मुंडा चक्या, चक्के तो फिर 5 मोटरसाइकिल असी दोनों तो बरामद किए, 3 मोटरसाइकिल एक तो 2 एक तो। नाम सी ना दे एक दा नाम राम कुमार सनोख
एरिए गौरव सन ऑफ सुखदेव सिंह ये है शहीद भगत सिंह नगर नंगल का जी। एक है बिकू बेदी जी, बिकू बेदी है सन ऑफ वेद प्रकाश, ये इंदिरा नगर का जी। ये दोनों से इन्हों के पहले मुकदमे चलते जी। इन्होंने अड अड जगह तो चोरी किए, अड अड जगह तो ही बरामद कराए इन्होंने, एक तो उतो फड़ी लिया, फिर अड अड जगह तो दो उन्हें कराए, एक रेलवे रोड तो दो बरामद कराए, एम पी की कोठी तो बराबर एक पैंता उधर गंदा नाला जहाँ उतो छुपाए हुए थे, एक इधरों कराया उन्हें। देखो हले तो रिमांड तो अज पेश कराने हैं, तो उस तो बाद देखते हैं हले होर, नहीं तो होर कुछ पंज कर ले बाकी हले पत देखते हैं हले होर। नहीं वो नहीं है तफ्तीश चलती है, वो अभी तुम्हें दस देंगे बाकी। एक होर असी गुरदासपुर के मोहल्ला शहजादा नंगल में एक नौजवान विक्रांत मसीह अते उसकी प्रेमिका नेहा वालों जहरीली चीज़ निकल के आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी अनुसार मृतक नौजवान दे विक्रांत मसीह ने अपने रिश्तेदारों विदेश यानी कि जर्मन जाने के लिए 24 लाख रुपए देते सन, पर उस रिश्तेदार ने ना तो उसू विदेश भेजा तो ना ही उस पैसे वापस किए, जिस करके नौजवान काफ़ी परेशान से। अज धालीवाल जाके उसने अपनी प्रेमिका नेहा इस बारे दसया तो दोनों जणा ने जहरीली चीज़ खा के जीवन लीला समाप्त कर ली। मेरे ब्रदर नाल विक्रांत मसीह तो उन्हें कल दवाई खा ली, और जर्मन वालों ने पैसे दिते ही उन्हें बाहर जाने वास्ते 24 लाख रुपया, तो इस करके उन्हें दवाई खाधी उस दुखों, क्योंकि उन्हें 3-4 साल हो गए कोई इन्ना पैसा नहीं दिता उन्हें, ना वो कुछ सोचते पे ना कुछ नहीं उन्हें किया। फिर उन्हें फिर उन्हें काफ़ी देर इन्होंने एन आर आई तो चलता रहा इन्हों का केस भी, फिर उन्हें उल्टे तो कि हरासमेंट का केस किया भी इन्हें गाला कढ़ता, तो वो फिर बड़ा इस गल तो बहुत ज़्यादा दुखी ही। केड़े बंदे जिन्होंने पैसे ले ही ते तो की लगते वो मेरे फुफड़ ही उन्होंने कुड़ी ही, एक उन्होंने नूँह ही भणेवी नूँह, तो उन्होंने पैसे ले इन्हें साढ़े इतों ज शिकार तो एक फुफड़ है मेरा वो मंजूर मसीह, उन्होंने सारा गल का पता वा उन्होंने थ्रू पैसे गए है, तो उन्होंने किन्नी वारी उन्होंने मैं कहा भी है एक बार पहला भी इन्हें कोशिश की भी मैं मर जाना वा नहीं तो मेरे पैसे वापस करो या मैंने कुछ करो, उदो भी मैं मंजूर मसीह को कहा भी इन्ना सोचो कुछ तुम कहे तुम गल नहीं करते, कहते अं की करिए जाओ जो ते हों कर लो। किसी गलबात हुई भतीजी लगती हाँ जी सर की गलबात हुई फिर गलबात ये भी बचपन तो ये पहले पढ़ते लिखते ही प्यार प्यू फिर चलता ही ये मतलब भी मुंडा जरा इन्हें कोई 22 लाख रुपया दिता है कि यहाँ नाम बंदे का हाँ रिश्तेदारी ही फुफड़ी तो वह मतली लैके तो बह गया दोबारा उन्हों कचहरी थ्रू भी मतलब भी अपने बुलाया बुलाया उ भी बस पैसे पुए दे के फिर कोई इंसाफ नहीं मिले। दो महीने कितने जहर खाता पता लगा कुछ ये कोई ढाई हजार रुपये लगे छगे करी करता डेथ हो गई दोनों हाँ जी की मांग कर दिया की होना चाहिए मांग ये है भी इंसाफ मिलना चाहिए वो जेडे कि 22 लाख रुपया वा काफ़ी चिर तो उन्हें रखा पाया और विद ब्याज सने मिलना चाहिए। की सारा मामला मामला है वो ब्रदर ने रोहित ने स्टेटमेंट दी आ कि मेरा ब्रदर विक्रांत उन्हें पैसे लेने अपने फुफड़ को 24 लाख रुपया जर्मन भेजने वास्ते उन्हें पैसे नहीं वापस किए ना जर्मन भेजा वो तो दुखी हो गए उन्हें फिर सुसाइड अपना आत्महत्या कर ली आ जिस संबंधी रोहित के बयान से आप मुकदमा दर्ज करता वो फुफड़ के खिलाफ तो रिश्तेदार जगह सुसाइड की डेड बॉडी तो सानू इतने हॉस्पिटल मिली है धारीवाल इन्होंने उत्थे पॉइजन खाधा ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਆ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧੀ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ? ਜਰਮਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ?
वो गुलजार सी फुफरी आ जी वो जर्मन रेंदे आ एक उन्होंने वह ब्रदर है इतने अनवर उन्होंने खिलाफ एफ आई आर दर्ज करती है बाकी जी कार्रवाई कर दे चार अजय नहीं अजय बरनाला के पिंड ठीकरी वाला दोहरे कतल का एक मामला सनसनीखेज मामला सामने आया है जिस विच एक व्यक्ति की लाश पिंड के एक घर के बाहर नाले मिली और एक लड़की की लाश उस घर मिली। इस लड़के तेज हथियारों के नाल बुरी तरह के नाल कटिया वड्या होया सी। मामला ऑनर किलिंग का लगता है। फिलहाल इस मामले में दो लोगों के मामला दर्ज करके उन्होंने भाल शुरू कर दी है। जी कल रात करीब 1:30 बजे पिंड ठीकरीवाल विखे एक दोहरे कतल केस का जिहड़ा मामला सामने आया है जिहदे विच मृतक मनप्रीत कौर पुत्री भोला सिंह जिहदी उम्र करीब 25 साल सी ते गुरदीप सिंह पुत्र रूप सिंह जिहदी उम्र करीब 30 साल सी इन्हां दोनों का जिहड़ा कतल किया गया। जिहड़ी मनप्रीत कौर है इहदा गला घुट के ते गुरदीप सिंह दा सिर दे विच गड़ासे दा वार कर करके जिहड़ा इहदा कतल किया गया। की कारण लगदा सर कतल दा? ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਨਰ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੜਾਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਧੀਨ ਧਾਰਾ 302 ਅਤੇ 34 IPC ਬਰਖਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ੀ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਨੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕ੍ਰਾਫਟ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਰੋਪ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਭਾਈ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੀ? ਕੁਛ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਧੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਧੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਉ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡੀਂਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜੀ? ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਕਿੰਨੇ ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ? ਮੈਂ 6 ਦਾਣੇ ਰੱਖੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੇ ਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਵੱਧ ਰਾਤਾ ਲੈ ਜੀ ਭਾਅ, ਤੂੰ ਦਾਣਾ ਖਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਪੇਸ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪੜੀ ਦੇ ਦਿਉ, ਮੈਂ ਲਓ ਜੀ ਪਾਪੜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚਾੜਤੀ। ਹੰਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾ ਵਾ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਗੋਲ ਕਰਵਾਏ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਮੈਂ 20 ਰੁਪਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਲਾ ਵਾਧੂ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲਾਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਥੱਲੇ। ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਮੰਗ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਦੀ ਇਹਨੇ, ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੀ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਲਈ, ਸ਼ੂਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਭੰਨੀ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭੰਨੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਭੰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਜੋ ਹਾਲ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਫਟ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਹਰਦੋ ਸ਼ਨੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਾਫਟ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਤੀਰਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ,
अपनी गल पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए थानू वर्दी मुलाजम से इस जी खिलाफ़ बनती कार्रवाई बालादर अफसर लिख के भेज चुके हैं भी इन्हें वर्दी का गलत इस्तेमाल किया वेरीफाई कर रहे हैं पैसे तो तुम वीडियो भी सुन सकते हो कह रहे मैं तेन 20 रुपये नहीं दिते जरा रेहड़ी वाला वह भी गल मान रहा मैंने 20 रुपये दिते ने गाली गलोच तुसी वीडियो सुनोगे उन्हें पब्लिक ने किया उन्हें किसी ने नहीं किया। लुधियाणा के ग्यासपुरा इलाके नगर निगम वालों की गई कार्रवाई को लेकर मौके पर पहुंचे साबका विधायक लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरनजीत सिंह बवैंस ने मौजूदा सरकार से बड़ा हमला किया। इस मौके पत्रकारों से गलबात करते हुए साबका विधायक सिमरनजीत सिंह बवैंस ने कहा कि जिस जगह पर ये लोग बैठे हैं अपना काम धंधा करते हैं वह जगह एक प्राइवेट है और जमीन पर कब्जा करने का कोई भी नामो निशान नहीं है। नगर निगम की कार्रवाई जो की जा रही है वह निंदन योग है। सारे मेहनत का श्लोक जेडे इतने रेहड़ी फड़ी ला के अपना टब्बरदार सारा प्रबंध बंदोबस्त रोटी पानी चलाते पिछले बुधवार को अज संडे आ बुधवार को नगर निगम आई इन्हों के जेडे ढांचे से रेहड़ी फड़ी दे बारिश तो धुप तो बचा ली चादर पाइया टैंपरेरी वो तोड़ दिते पहला नंबर ये प्लॉट जिहड़ा प्राइवेट मालक का ये प्राइवेट मालक नूं मजदूर साथी किराया देंदे आ। नंबर दूसरा जे कोई बिल्डिंग नहीं बनी विदाउट एनी इंटीमेशन तुसीं आ के किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर एंटर किदा कीता बिल्डिंग शाखा इस करके नहीं आई जोनल कमिश्नर नूं जवाब दे दिता क्योंकि कोई बिल्डिंग नहीं सी बनी ते जोनल कमिश्नर साहब तय बजारी शाखा जिहड़ी पहले ही शहर के माफिया के नाम नाल जानी जाती जिहदा काम हैगा सड़कां दे उत्तों नजायज़ कब्जे चकने ये प्राइवेट प्लॉट आके सत्ताधारी लोगों के कहण के उत्ते कानून नूं छिक्के टंग के ये सारा तहस नहस करके पिछले बुधवार तो लैके लोग बेचारे दर दर दियां ठोकरां खांदे कल मेरे कोले गए सी और मैं इंश्योर करदा इन्हां नूं कहता भी बनाओ तुसीं देखो किहड़ा तोड़दा तुहाडे आके क्योंकि कानून अनुसार ये प्राइवेट प्रॉपर्टी मालक नूं रेंट दिंदे आ सड़क तो बहुत हटमा मूहरे पार्किंग छड्डी हुई है किसी भी किस्म का कोई किसी लई परेशानी का सुभाव नहीं हैगे ते नगर निगम ये अपने सत्ताधारी अकामां नूं खुश करन वास्ते इदां दे हथ कंडे अपनावे कानून छिक्के टंगे निजमां नूं तार तार करे बर्दाश्त नहीं। मैं इन्हां लोकां दी सपोर्ट करूँगा इन्हों का जो चुले ठंडे हो कदे ठंडे नहीं होन दूगी लोक इंसाफ पार्टी शुरू तो गरीब दे नाल खड़ी आ धक्का करन वाले दे वर खिलाफ खड़ी आ। सो मैं ईस्टमैन चौंक है इतू बाद दे विच मैं ईस्टमैन चौंक के दूसरे सामने पासे भी और दुकानदार खड़े उत्थे भी इन्होंने इसकी गुंडागर्दी की उदू बाद मैं पिपल चौंक जाना ताकि उत्थों के दुकानदार मजदूर साथियों मजदूर दोस्तों ये इंश्योर करके आवे यार डरे हो ना अलोप हो रही खेडां नूं लंबे समय बाद शुरू करवाया गया। इस तरह का नज़ारा मोगा विच वेखण नूं मिलिया जिते 30 सालां बाद बाजीगरां ने बाजियां पाईआं अते पुरातन खेडां नूं मुड़ जिउंदा कीता अते अग दे गोलियां विचों लंघ के बाजीगरां ने करतब दिखाए। इस मौके पहुंचे हज़ारां लोगों ने इन्हां अलोप हो रही खेडां दा आनंद लिया। पिंड दे सरपंच ने कहा कि इन्हां खेडां नूं मुड़ जिउंदा करन दा मुख मकसद नौजवानों नूं इन्हां खेडां बारे जाणू करवाउणा है ते नशियां तों दूर करन दे लई प्रेरित करना है। पहला तो मैं आप जी के स्रोतियों का आप जी के चैनल का धन्यवाद करता जी तुसी साडे नगर बहुना दे विच आए हैं तो ये जिहड़े गेमां प्रति मेरे मन च आया जी साडे जिहड़े अज नौजवान वीर आ जिन्हां नूं पता ही नहीं भी पुरातन खेडां की आ बाजी की आ बाजीगर की आ उन्हां दा जिहड़ा ज़्यादा रुझान अज दे कबूतरबाजी दे विच चला गया सीगा कुछ दिनों तो दिमाग जिच ये गल रड़कन लग गई भी ये जिहड़े आ घर दीआं छत्तां ते कबूतरबाज चढ़े फिरदे लड़ाइयां पैंदियां वा क्यों ना असीं इन्हां नूं दसीए कि पुरातन बाजी जिहड़ी असल बाजी सी बाजीगर किवें पाउंदे सीगे उन्हां बाजीगरां दा जिहड़ा असीं कितों दूर नेड़े नंबर लै के प्रबंध कीता। बड़ा दुख इस गल दा वा भी जिहड़ी पुरातन बाजी सीगी इन्हां बाजीगरां दीआं गेमां सी खेडां सी किवें उह मूँह दे नाल गाटर सड़दे आ किवें अग दे विच्चों दी निकलदे आ किवें उह कड़ियां दे विच दो तिन्न जणे निकलदे आ मंजे उप्पर दी लंबियां छालां लाउणियां मूंगलियां फेरनियां ये जिहड़ी आ बहुत मैनूं लगदा सानूं भी पुराणी इह जिहड़ी आ 30-32 साल पहलां वेखण नूं मिली सी बाजी ते मैं सोचिया वी हुण साडे कोल बाजीगर इस वक्त हैगे आ ये विरसा जिहड़ा लोप हुंदा जांदा
इस विरसे बचाने लिए नौजवानों ज बच्चों दिखाने लिए मैं उपराला करना चाहिए। सरपंच साहब जो ये बाजी थोड़े पिंड पहला कदों पई सी? ये मैं तुम पहला भी दस चुका भी साढ़े पिंड बाजी जी लगभग मेरी सुरत के मुताबिक 30-32 साल पहला पई सी नगर के विचाले जी उदों जे पुरातन जे साडे जे कह लिए बुग्गीपुरे पिंड तो एक मगर सिंह जी होंगे सके बाजीगर उन्होंने ये पिंड वंडे होंगे से इन्हों एरिए वंडे होंगे सके बाजीगर के तो उस समय के बाजी पई सी 30-32 साल पहला उदू बाद बाजीगर नहीं वो निकिया निकिया खेडा दिखाने वाले खेड कलाकारता होंगे रेंदे नगर से। सरपंच साहब ये जो बाजी पई है ये अंतरराष्ट्रीय पद्धर के मैडल जितने वाले पहलवान 23 अप्रैल तो जंतर मंत्र उपर धरने के बैठे हैं और जिथे उन्होंने हक में कई राजनीतिक पार्टियां के आगू उत्थे उन्हां कोल पहुँच के समर्थन देने की गल कर रहे हैं। उत्थे हुण देश भर में वख वख वर्ग के लोग आम जनता भी उन्हां खंडारां के हक में आवाज़ बुलंद कर रही है। इस तहत बटाला शहर में किसान जथेबंदियां समाज सेवी संस्थावां वल्लों एक कैंडल मार्च शहर में कढ़िया गया। अज दा कैंडल मार्च सिर्फ सरकार नूं एक चेतावनी के रूप में है कि जागो नहीं तो आवाम जे कुर्सी देना जानता है तो कुर्सी खोना भी जानता है। सो साड़ियां धीआं भैणां दी इज्जत पहलां ते ओ पलेर जिन्हां करके साडा झंडा देशां विदेशां विच झुलदा है जे उसका निरादर बीजेपी के सीनियर लीडर ही करनगे तो फिर साढ़े देश नूं कौन बचाएगा। ये मौजूदा सरकार की जिम्मेवारी है। मैं आप दे माध्यम राही सेंटर सरकार नूं अपील तो चेतावनी भी देना चाहता हाँ कि साड़िया उन्हें प्लेयर धीं भैं वाल वेख के उन्होंने इंसाफ देंदे हो दोषियों विरुद्ध सख्त तो सख्त कार्रवाई करद परचे रजिस्टर किए जा। सो मीडिया एक थम है जी सारी जिले गुरदासपुर की सारे पंजाब की आवाज़ जी है सारे हिंदुस्तान पहुँचा सकता है। सो दास बेनती करता है कि इस धरने भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर जिसकी अगवाई डल्लेवाल साहब कर रहे ने 101% समर्थन रहा रहेगा। रूपनगर में अज शाम 4:30 तो दरमियान बड़ा हादसा वापर गया। यह घटना सरहद नहर में उस समय वापरी जदों एक बुजुर्ग औरत नहर में नहाने लिए उतरी और पानी के तेज बहाव कारण डुब गई। उसनू वहिंदा वेख के मोटरसाइकिल सवार नौजवान ने उसनू बचाने लिए नहर में छाल मार दिती पर तेज बहाव की लपेट में वह भी आ चुका है। इत्थे सारा भाजी पानी च लाश आई है बैठ के बंदे ने आवाज मारती इन्होंने कहा कि भाई लाश खिंच लो अभी खिंचता। अच्छा किन्ने क बजे का टाइम सीगा? हो गया जी आधा घंटा इतो हादसा क्या मुंडा मोटरसाइकिल से है बुढ़ी डुबी जाती थी तिर दी ये मुंडे ने जाके छाल मारी ये मुंडे ने काबू नहीं आई ये मुंडा भी गांह जाके डूब गया है जी। बाकी बुढ़ी तिर दी गांह लंघ गई है जी। पानी के दो ही डुबे जी हूँ एक बुढ़ी डुबी एक मुंडा डुबे जान पछाण नहीं अभी इतने भी आते बेहिए क्या पता कौन है कौन नहीं सानू ਸੀਗੀ ਬਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੱਢੀ ਗਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੂਜੇ ਥੱਲੇ ਡਬੋਲੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰ ਲੜਕੇ ਬਾਰੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰੁੜ ਗਿਆ ਬੰਦ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ? ਮਾਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਾਓ ਆਪਾਂ 72 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਰਖਾਤੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 74 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਖਾਤੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ। श्री मुक्तसर साहब के नज़दीकी पिंड कन्यावाली के दो मुलाजमान तो 20-25 बंदियां ने देर रात करीब 10 बजे हमला कर दिता जिस बाद दोनों पुलिस कर्मचारियों को सिविल हस्पताल दाखिल करवाया गया। इसकी जानकारी थाना सदर हरदीप सिंह ने दसा कि रात करीब 10 बजे सानू पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल आई थी जिस संबंध में पड़ताल करने लिए असी पिंड कन्यावाली विखे गए। उत्थे काफ़ी लोगों की भीड़ सी जब असी उन्होंने घर जाने लिए कहा तो
ਉਹ ਕੁਝ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਮੁਕਤਸਰ। ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਗਸਤਵਾ ਚੈਕਿੰਗ ਸ਼ੱਕੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ 112 ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਏ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਕਾਨੇਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਾਨੇਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਔਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ, ਵਰਦੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਰਾਤ, ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਉਹ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕੁੱਲ ਹੈਗੇ ਆ 20-25 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰੀ ਸਰ। ਡਾਂਗਾ ਸੋਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ ਕੋਈ 10:15 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤਰ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ SDM ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਰੋਡ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾਭਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਜਾਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀ ਧਰ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਗਾਰ 'ਚ ਸਨ, ਨੰਗਾਰਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਮਸਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠ ਥੱਕ ਗਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾ ਦਿਉ। ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੰਗ, ਸਾਡਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਊ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਇਹ ਫੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ SDM ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀ ਆਹ ਹੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾੜਨਾ ਕਰੀ, ਜਗਾਇਆ ਸੁੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਊ ਸੈਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੰਡ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਸਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 'ਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕੋਪਰੇਟ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਉਹਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੰਗੂਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਗਊਸੈਸ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੇ ਗੰਗੂਆ ਫਿਰ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਧੂਵਾਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਤਰਫ ਬਹਿਬਲ ਬਹਾਦਰ ਸਾਧੂਵਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਧੂਵਾਲ ਨੇ ਉਸਦੇ 30 ਤੋਂ 35 ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ DSP ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਜੀ, ਇਹ ਸਫੈਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਯਾਰ ਬੂਟੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਅੱਗ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਐਤਕੀ ਰਾਤੀ ਕਾਹ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਗ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚਲੋ 2-4 ਸੜਦੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ। ਆ 35-40 ਬੂਟੇ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ
ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ ਆ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬੂਟਿਆਂ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਾਈ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਕੜਾ ਤੋਂ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬੂਟੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਬੂਟੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਲੰਕਿਤ ਲੋਕ ਆ ਲਾਹਨਤਯੋਗ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪੰਚੀ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਸੱਧੂਵਾਲ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਤੂੜੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਲੀ ਵਾਹੀ ਆ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਝੂਠੇ ਤੋਂ ਬੇਵਿਮਾਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋਕਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿੱਚੇ ਨਾੜ ਵਾਹਿਆ ਵਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੇ ਨਾੜ ਵਾਹਿਆ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਚਿਸ਼ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਧਿਐਨ ਪੈਂਦੇ ਸੈਦਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਨਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਤਾਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਆਉਣਾ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਗਏ ਖੇਡਣ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜੱਜ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਕੁ ਜਾਣੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਗੋਲੀ ਵੱਜੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਸੀ ਖੰਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਉੱਪਰ ਗੰਡਾਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਜਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਰਾਜਨ ਗਿਰੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੂਜ਼ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੂਬ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਰਾਜਨ ਗਿਰੀ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲਈ ਜਨਸੰਪਰਕ ਮੁਹਿੰਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ 23 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੰਤਵ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕੌਣ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਪਕੜਨੇ ਹੋਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਔਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇਹ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ
जिहड़ी पार्टी इन पावर आ ये नशे पकाउण दा काम इन्हां दा नैक्सस करदा। जदों तक ये नैक्सस नहीं टुटेगा उदों तक नशे बिकने बंद नहीं होने, जेलां चों क्राइम बंद नहीं होना। मैं ये दावे नाल कहना कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ूगी जे पंजाब दे लोक चाहुंदे आ कि नैक्सस तोड़ देंगे असीं। सुन पंजवें हिस्से की भाईवाली कादी हुंदी है, असीं तां सीरी रले होए सी उहनां नाल, असीं सरकार च बैठ के भी जुत्तियां खांदे सी, साडे मिनिस्टर भी खांदे सी, साडी कोई गल चलदी सी उहदे च। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इस करके असीं हुण अपने बल ते खड़े होणा, साडा कार्यकर्ता असीं खड़ा करना, हर गली मोहल्ले च करना, और उन्हां ने लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना। एक चीज़ मैं अज तुहानूं होर तुहाडे माध्यम नाल कह दिंदा, नेता किसी ना कोई पार्टी बनाउंदी आ, ना कोई व्यक्ति बनाउंदा, सड़कां ते जाके संघर्ष करके लोकां दी गल करदा होया। मानसा शहर में मैडिकल स्टोरों से नशे के रूप में बिकन वालिया दवाइया बंद करवाने के लिए अज मानसा शहर के नौजवानों वालों रोस रैली की गई, जिस सिद्धू मूसेवाले के ताया चमकौर सिंह ने भी शिरकत की। उन्होंने सरकार को तुरंत इस पासे ध्यान देने लिए कहा कि नौजवान पीढ़ी नशियां तो बच सके। इस संबंधी मैं तो बोलते ने दस ही दिता भी यह छोटी लड़ाई नहीं हैगी, यदियाँ तो हार मत ना लो। इस दुकान जोड़े छोटे पद्धर तो लैके जेलों तक तार जुड़े हुए ने और सारिया सरकार अधिकारी सारे ये शामिल ने, एवें बंद नहीं हों जिमें आप कहने। आप कहते भगवंत मान कहना पांच दिन कर देंगे, केजरीवाल हो गया बंद, उदू भी धड़ल्ले विक रहा है, कुछ भी बंद नहीं होना जिन्ना चर ये इस लहर के घट्टो घट घर घर का बंदा शामिल नहीं होंगे। अग हर घर के लगी हुई है, किसी से थोड़ी है बाली है, कई हजे ऐ लगता साढ़े घर तक पहुँची नहीं। जे असी इस हालातों को ना काबू किया नहीं पहुँच हर दरदे तक जाएगा। इस करके लोगों अपील कर दी, मुंडा की है ना परविंदर झोटा है, मेरा ख्याल दो महीने तो रौला पा रहा कला। कल भी मैं देखा मनियादी करता बेचारा, नाले आप मनियादी करता फिरता से रो रहा है। यदा कल का कम नहीं है ना, कल साडे मानसा शहर तक का कम है। इस सारी चीज़ में एक लोक लहर बना के अगे तोरन दी है ताकि इन गूंगियां बूंगियां सरकारां तक ये गल पहुँच जाए, जिहड़ियां शायद जो राजगद्दी ते बैठ जांदियां ने उदों इन्हां नूं ये मसले छोटे लगन लग जांदे ने, जदों सत्ता तों बाहर हुंदियां ने उदों इस गल दा ये बहुत रौला पाउंदियां ने। सारियां ही पार्टियां दा ये हाल है, जिहड़ी आपां नवीं लियांदी सी इस पासे एक कदम नहीं तुरी। जिथे मर्जी तुसीं गल करके देख लो उदू चार गुणा वध हो गया जिद्दां दा ये कम ते आए ने, पर इन्हां ये गल्लां जिहड़ियां करदे सी पता नहीं किधर गईयां। इस करके इस नूं सारे नूं लोक लहर बना के इनू अगे संघर्ष में तहत तक ले जाने की लड़ है। ये साडा मानसा के तीसरा धरना से जी, क्योंकि नौजवानों वालों एकत्र होकर इकट्ठे होकर समाज के सुनेहा देने की कोशिश की जा रही है भी जिस तरह नशे का फैलाव रहा है, जिस तरह ये दुकाना वाले छोटे छोटिया बड़िया बड़िया दुकाना वाले नशा बेच रहे हैं, वो नशाखोरी बंद करने वास्ते इन्हों परचे दर्ज किए जाए। क्योंकि पिछले दिनों साढ़े एक नौजवान वालों परमिंदर वालों उन्हों की वीडियो बनाई गई, स्टिंग किए गए 13-14 दुकाना के, उन्होंने 13-14 दुकाना से कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि जोड़े दूसरे निके मोटे दुकानदार से जो कोई पिंडा के छोटे मोटे दुकाना करके आदा पेट पालते थे उन्होंने खिलाफ परचे दर्ज करते, परचे दर्ज भी करते, दुकाना भी सील करती, पर ड्रग इंस्पैक्टर वालों ये डिस्कलोज नहीं किया गया भी दुकान क्यों सील की गई है। जो कि असं कह रहे भी आ फलानी दुकान वाला आह दुकान वाला नाल जाके असं स्टिंग बना रहे हैं भी ये बेच रहा यदि दुकान के आह समान पिया, उ ड्रग इंस्पैक्टर क्यों नहीं जाता है, उत्तर SSP साहब की क्यों नहीं निगाह पै रही। असं इस संबंध में वक्ख वक्ख प्रशासनिक अफसरों को भी मिलेंगे तो असं दस देना चाहते हैं प्रशासन को भी असं लड़ना नहीं भुले, असी लड़न भी जाते हैं तो लड़के हक लैन भी जाते हैं, तो इस गल नूं हमेशा यह याद रखण। ये साडा शांति जरा शांतिपूर्वक एजुटेशन जिन्ना टाइम चलूगा तो कुछ जेडे ये अंसर ने साडे नाल दे नाल दे बंदियां नूं साडे सपोर्टरां नूं साडे मित्रां नूं जिहड़ियां ये धमकियां दे रहे ने, ये जिहड़े वड्डे वड्डे सरमाएदार दुकानदार जिहड़े प्रशासनिक अफसर ने जिहड़े धमकियां दे रहे ने वो भी इस गल तों बाज आ रहे, माड़ा काम छड्ड दो, बहुत कुछ कर लिया तुसीं, हुण मिट्टी पा दो, चंगे समाज की सिरजना होने लगी है। तो सरकार को विशेष तौर पर सख्त चेतावनी आ उन्होंने अज MLA असी धर असी मुर इस करके पुतला फूकिया गया भी इस तो बाद केजरीवाल का भगवंत मान का फूकेंगे थोड़ी चंडीगढ़ घेरेंगे आगे असी आपके गर्क नहीं होने देना गा साडा समाज है जिहड़ा साडा शहर हैगा। तो मेरी सोडे चैनल के माध्यम राही सारे पंजाब को यह बेनती है भी हरेक जिले के हरेक तहसील लैवल से आपदियाँ तुम कमेटियां बनाओ, साडे नाल संपर्क करो, मेरा नंबर तुम आपकी स्क्रीन पर दे दो, परमिंदर झोटे का साड़ी पांच मैंबरी कमेटी है जी स्क्रीन पर सारे नंबर दे दो, थोड़ू असं दे भी दें नंबर वो तो साढ़े नाल संपर्क करो। पूरे पंजाब दे विच जिथे भी कोई अजिही घटना हुंदी आ पहला असी खड़ांगे आके, ना असी परचे तो डरीए ना असी किसी की बदमाशी तो डरीए।
जाति बाल्मीकि धार्मिक सिख फ्रंट वालों अज मोगा तो बिलासपुर तक कारां विच अर्थी फूक मार्च कढ़िया गया। अनुसूचित जाति बाल्मीकि धार्मिक सिख भाईचारा मंग करता है कि पत्रकार वर्ग नाल संबंधित कुछ व्यक्ति जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बना के सरकारी नौकरियां कर रहे हैं ते सरकार तो मंग की जा रही है। यही आगू अनुसूचित जाति का फायदा उठा रहे हैं ते मंग की कि असी सरकार नूं कई बार पत्र लिख के इसकी जांच करन दी बेनती कर चुके हैं पर कोई भी जांच नहीं हुई। साडा अज दा मुद्दा यह है जी भी रिजर्वेशन चोर फड़ो मोर्चा तकरीबन 20 अप्रैल तो पक्का मोर्चा मोहाली विखे लगा हुआ और वह मोर्चा जिहड़ा हैगा प्रोफेसर हरनेक सिंह जी और लखवीर सिंह बॉबी जी की अगवाई दे विच लगा हुआ और उस मोर्चे का मुख मंतव आ कि पंजाब दे विच कल्ला पंजाब दे विच नहीं जिहड़ा हरियाणे दे विच या दिल्ली दे विच या होर कई स्टेटां दे विच ये अज कल रिवाज बन गया भी जिहड़े जरनल लोगों नूं गैर अनुसूचित जाति लोग है जिहड़े जिन्हां कोले काबिलियत है नहीं उन्होंने की किया भी एससी जाली सर्टिफिकेट बना के जिहड़ा हैगा पंजाब दे विच वो जिहड़ियां नौकरियां कर रहे हैं पंजाब सरकार दीयां नौकरियां कर रहे हैं और उच्च अहुदे ते बैठे हुए आ ते साडा मेन मकसद ये है भी उन्होंने अनुसूचित जाति दे लोकां दे हक्कां ते डाका मारिया हैगा। इहदे नाल अनुसूचित जाति दे लोकां दे विच रोस दी लहर पाई जा रही है और असी तो उन्होंने ये गल कहने भी जे उन्होंने जिहड़ा एससी सर्टिफिकेट बनाउणा ही सी तां वैसे तो एससी सर्टिफिकेट बाई बर्थ बनता हुंदा जिहदा जन्म उस एससी कम्यूनिटी दे विच होया उहदा एससी सर्टिफिकेट बनता हुंदा आम बंदिया दा नहीं बनता। तो जे इन्होंने नौकरियां ही लैनियां तो साडे नाल सांझ पा लैण आपदे बेटे बेटियां दे रिश्ते साडे नाल करने शुरू कर देण उन्हां दा एससी सर्टिफिकेट बन जूगा तो नौकरियां करी जाण सानूं कोई इतराज़ नहीं। किद्दां फिर इस चीज़ ते ठल पैगी? देखो इस चीज़ से ठल तो यह है भी पंजाब सरकार नकम्मी सरकार आ खास करके जिहड़े साडे गुंगे बोले रिजर्व हल्के तो जित के MLA जिहड़े गए हैगे आ असी इत्थे मैं तुहाडे माध्यम राही दसना चाहुंदा जदों दा किसानां दा कोई धरना हुंदा उदों कुलदीप सिंह धालीवाल मेरा ख्याल भी दूजे दिन ही उन्हां दा धरना चक्कण वास्ते चला जांदा उन्हां नाल समझौते करदे हैगे आ। जदों किसी होर श्रेणी का धरना हुंदा तां उदों संधवा साहब भी पहुँच जांदे आ उन्हां दा धरना चुकाउण वास्ते उन्हां नाल जिहड़े हैगे उन्हां दे मंगा नूं हल करवाउण वास्ते पर साडे जिहड़े गुंगे बोले MLA आ वो साडा जिहड़ा धरना तुसीं देख लो 20 अप्रैल तो चल रहा तो कोई गुंगा बोला रिजर्व हल्के तो जित के बाबा साहब की रोटी खाने वाला बंदा जिहड़ा हैगा उत्थे भी नहीं पहुँचा तो उन्होंने ये मसले नूं सुलझाउण की कोशिश भी नहीं की। दोस्तों इस समाज की खबर कल फिर मिलेंगे इसे समय इसे चैनल से तद तक लई कुलवंत सिंह गिल नूं इजाजत दिओ रब रखा।